खाली है ये दो, ये क्या स्कैम है? So your last team was like godlike. उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस था? Honestly बोलो तो इतना अच्छा नहीं था. अब जब नहीं था अच्छा एक्सपीरियंस तो नहीं था. ठग भाई हो गए, गोल्डी भाई हो गए. और with all these people, how do you feel? मुझे कभी ना कभी सोल और एट बेट कर लेक अंडर खेला ही था कि अगर जो गलतियां मैंने करी नहीं होती तो मैं आज जो हूँ वो होता ही नहीं. कभी भी एक प्लेयर की वजह से टीम कभी हारती नहीं है ना एक प्लेयर की वजह से जीतती है. सिंपल सी बात हुई है. Hey guys, welcome back to another episode of Making of Masters, presented by Garnier Men and brought to you by Router Shop. Today, I have a very special guest, a very special master, and he has mastered every part of the game. He's a legend, he's played with several big names, and he is a big name himself, presenting Aditya. Hey guys, all good, aap bataiye. All good. Kaisa chal raha hai? New year hai, new tournament hai. थर्ड सीजन ऑफ BGMS, न्यू लाइनअप है आपकी. हाउ इज इट गोइंग? अभी तो सो फार बहुत बढ़िया चल रहा है हम लोग का. रिसेंटली BGIS भी हम लोग क्वालिफाई करके अच्छे पोजीशन पे आए डिस्पाइट नई टीम होने के. और अभी भी बहुत अच्छा जा रहा है. हम लोग क्वालिफाई कर चुके हैं फाइनल्स के लिए, मास्टर सीरीज के लिए. बहुत एक्साइटेड है फाइनल्स के लिए कि हम लोग कैसा करेंगे, क्या परफॉर्मेंस देंगे. उसके लिए बहुत क्यूरियोसिटी हमको खुद है कि हम लोग की टीम कैसा करने वाली है आगे. सो योर लास्ट टीम, उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस था? एक्सपीरियंस तो अब ऑनेस्टली बोलो तो इतना अच्छा नहीं था क्योंकि टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही थी और ऐसा हम लोग भी अच्छा नहीं खेल पा रहे थे. तो अब इसमें मैं बोलूँगा कि एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था तो पूरा गलत होगा. अब जब नहीं था अच्छा एक्सपीरियंस तो नहीं था, वो हम लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए. सो बट प्रॉब्लम्स क्या रही थी? यू नो प्रॉब्लम्स मतलब बहुत सारा इन गेम फैक्टर होता है. लाइक जो ऑडियंस या फिर जो लोग गेम इतना स्पोर्ट्स नहीं खेलते वो समझ नहीं सकते वो चीज़. गेम सिर्फ आपका इंडिविजुअल स्किल नहीं होता है, गेम आपका इंडिविजुअल एम नहीं होता है. एम पूरा एक कलेक्टिव टीम गेम है, जो भी अपना ये BGMI है पूरा कलेक्टिव टीम गेम है. इसमें हर एक टीम जो अपना मेंबर है उसका हर एक मूव इम्पैक्ट डालता है गेम पे. तो हम लोग बेसिकली तो यही हुआ कि टीम गेम इतना बैठ नहीं पा रहा था हम लोग का गेम स्टाइल नहीं हम लोग ढूंढ पा रहे थे कि हम लोग कौन से गेम स्टाइल पर अच्छा खेल पा रहे हैं. तो मेरे हिसाब से तो ये मेन प्रॉब्लम थी और कुछ नहीं था. ऐसा कुछ नहीं था कि एक प्लेयर चोक कर रहा है या फिर कभी भी एक प्लेयर की वजह से टीम कभी हारती नहीं ना एक प्लेयर की वजह से जीतती है. सिंपल सी बात हुई है. सो योर लास्ट टीम वाज लाइक गॉडलाइक एंड उससे पहले TX. एंड TX इन द रीसेंट टाइम्स हैज बीन परफॉर्मिंग रियली वेल. कहीं पे लगता है कि नहीं छोड़ना चाहिए था? वेल जब मैं था TX में तब हम लोग भी BGIS में #3 आए थे. उधर भी होप थी, हम लोग डेफिनेटली मेरे को पता है मैं 100% श्योर था कि हम लोग वहाँ पे भी जीतते. बट क्या मतलब क्या बोल सकते हैं, कुछ कुछ डिसीजंस गलत लेता है इंसान. तो मुझे मेनली जली के साथ खेला था क्योंकि वो मेरा उससे भी एक्स टीममेट था OR में और उस समय हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे. तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये रहता था कि मेरे को जली के साथ खेलना है. और उस टाइम वो गॉडलाइक में गया, उसने बोला कि टीम बना रहा हूँ मैं. तो मैं ऑफकोर्स अब जो भाईचारा में करता है अपन लड़के लोग कि नहीं भाई भाई के साथ खेलना है ऐसा कुछ, तो उस चक्कर में थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया था उधर TMX पर. और मतलब मैंने पूरा एक्सप्लेन करके ही छोड़ा था. ऐसा कुछ नहीं था कि मैं कुछ बैड टर्म्स थे, सब कुछ अच्छे टर्म्स पे ही लीव किया था मैंने. बट ऐसे रिग्रेट तो नहीं होता है बट वो एक लेसन ही था जो मैंने अभी डिसीजन लिए है. वही टाइप से मेरे लिए लेसन ही है जो कि मेरे को कहीं ना कहीं ग्रो करने में मदद करेंगे. तो ऐसा रिग्रेट तो नहीं है. आई रिमेम्बर दिवाली बाकी के बाद आप और मैं एयरपोर्ट पे मिले थे एंड देन इन द मॉर्निंग वो न्यूज़ आ गई थी दैट यू लीव योर लेफ्ट TX. मैं वो सोच सरप्राइज की अभी रात को तो हम मैच के बात कर रहे थे अभी तो एयरपोर्ट पे मिले थे सुबह गॉडलाइक कर देते हो गए. बट नाउ यू आर एन 8-bit यू नो and 8-bit and SA2L as an organization is very strong and it has a lot of you know people who can lead you and guide you like Thug bhai ho gaye, Goldie bhai ho gaye, Mortal ki legacy bhi somewhere into hoti hai, Mercy is there and Juicy is there. So you know with all these people how do you feel? Well agar main honestly bolu to mujhe kabhi na kabhi soul aur 8-bit kar like under khela hi tha. To matlab wo feeling to bahut achhi hai. Aur baki matlab जैसे कि जब स्टार्टिंग में जब मैं स्पोर्ट्स नहीं ज्वाइन किया था तो मैं इन सबको ही देखता था. जैसे मॉर्टल भाई हो गए, थग भाई हो गए, थग भाई भी तब खेलते थे और मर्सी भाई भी थे. तो इन लोग को जब बैठ के आप देखते हो
फिर आप बाद में या तो उनके साथ खेल रहे हो या फिर उनके लेगेसी कंटिन्यू कर रहे हो, तो एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है। तो 8-bit ज्वाइन करके मज़ा तो आया, अच्छा तो लग रहा है और जूसी के साथ तो बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा ही चले वो, उसके बॉन्ड भी बहुत अच्छा हो गया मेरा, तो मज़ा आ रहा है। फुल सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो मैं, सो यू टॉकिंग अबाउट की अर्ली डेज जब आप प्लेयर नहीं थे, हाँ, सो हाउ वाज योर एंट्री इनटू ई-स्पोर्ट्स, लाइक घर पे क्या रिएक्शन था, व्हाट वाज योर स्ट्रगल, लाइक कि क्या मेहनत करी एंड व्हाट मेड यू डिसाइड कि यू नो ई-स्पोर्ट्स ट्राई करके देखता हूँ। मेरा एकदम टिपिकल मिडिल क्लास वाला स्टोरी था, तो मैं सिंगल चाइल्ड हूँ ऐसे, बट ऐसा हुआ था कि मेरे को श्योर नहीं था कि मेरे को फ्यूचर में करना क्या है, ठीक है। मैं वही सोचता था नॉर्मल जो मिडिल क्लास के ऑप्शंस होते हैं, होटल मैनेजमेंट हो गया, ऐसा कुछ कर लूँगा। बट मेरे को गेमिंग का बचपन से शौक था, मैं बचपन से कंप्यूटर गेम्स बहुत खेलता था, IGI हो गया या फिर बहुत सारे गेम्स थे जो बचपन में मैं बहुत खेलता था। तो उसके बाद गेम वेम तो बहुत खेलता ही था, साथ ही साथ जब मेरा 10th आया तब मैंने एक बार पेरेंट्स से बात करी, मैंने कहा अगर मैं 10th अच्छे से निकाल लेता हूँ तो मुझे 11th पूरा साल मुझे अपने पे जो मेरे को खुद करना है एक बार करने देना, अगर वो नहीं होगा सक्सेस तो जो आप बोलोगे वो मैं कर लूँगा। तो जैसे ही मेरा 10th खत्म हुआ मेरे परसेंटेज अच्छे आ गए, मैंने पेरेंट्स से बोला कि प्लीज़ मेरे को एक डिवाइस EMI पे लेके दे दो, EMI मैं भर दूंगा। ये डील पे मैंने एंड्रॉयड डिवाइस उठाया, उस समय था रेड मैजिक 3 गेमिंग डिवाइस था और फिर मैंने खेलना चालू किया। और मतलब पहले मैं अपने कजिन के साथ खेलता था बट वो टीम वर्कआउट नहीं करी, तो मेरा एक क्लासमेट था जो कि मेरा अभी सबसे करीबी जैम बोल सकते हो मेरे ज़िंदगी का, तब वो मेरे को मिला और हम स्कूल में एकदम हेट करते थे दूसरे को। उसने बोला कि हम लोग टीम बना रहे हैं खेलते हैं, हम लोग की टीम बनी और वो टीम थी IE इनिशिएटिव स्पोर्ट, जो मेरी फर्स्ट कॉम्पिटेटिव टीम थी। तो ऐसे टूर्नामेंट से PP और जैसे पेड स्क्रिप्ट होते थे वो खेल खेल के मैं EMI तो भर देता था, बट एक था कि नहीं वो समय टूर्नामेंट्स चलते थे, स्कॉट भाई को देखते थे, PEL हो रहा था, बहुत सारे टूर्नामेंट्स थे, तो था कि नहीं मेरे को कॉम्पिटिटिव खेलना है। पूरे साल मैंने कुछ नहीं किया, दिसंबर तक कुछ ऐसा रिजल्ट नहीं आया कि पेरेंट्स बोले कि हाँ तू खेल। दिसंबर में ड्रीम हैक था अपना दिल्ली में ही, नवंबर दिसंबर में कोई एकदम प्रॉपरली याद नहीं है, तो हम लोग गए थे उधर और वहाँ पर हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म किए, वहाँ पे स्कॉट भाई भी थे, बहुत सारे प्लेयर्स भी थे, तो हमारे जो ओनर थे उस टाइम उनसे बात किए थे, तो वो बोलते थे स्कॉट भाई भी क्या आपकी टीम में पोटेंशियल है। तो वहाँ से एक टाइप से हम लोग T1 में एंट्री करके T1 में हमने अच्छा परफॉर्मेंस किया, बड़ी से बड़ी टीम को मारा, उस टाइम की प्राइम टीम थी TA70, उनको ड्रॉप पे हर बार मारते थे तो वहाँ से थोड़ा सा नाम हो गया, क्योंकि वैसे ही मतलब मेरा मानना यही है अगर आपको ई-स्पोर्ट्स में ग्रो करना है आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो पब्लिक आपको नोटिस करे। ऐसा नहीं होता आप कितने भी अच्छे प्लेयर हो बट आप नॉर्मली सिर्फ ई-स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो बहुत रेयर है कि आप नोटिस जाओगे आउट ऑफ नोवेयर, राइट, और लोग आपको पसंद करने लगे। आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मतलब कुछ ना कुछ तो मसालेदार देना पड़ेगा पब्लिक को, जो पब्लिक आपसे देखे, क्योंकि हम लोग उस टाइम सब बड़ी टीमों से फाइट देते थे, ऐसी कोई भी नहीं थी जो ऐसे अंडरडॉग टाइप की हो उनके ड्रॉप पर फाइट दे रहे। TA70 के साथ ड्रॉप क्लैश और पोचिंग के हमारा सेकेंडरी ड्रॉप गॉडेल उसमें, और बाकी विकेंडी में भी कौन था, विकेंडी में वो इंटरनेशनल टीम्स का गोरो का आती थी, अच्छा, और बहुत सारे ब्रॉल वरॉल्स इतनी गोरो का आती थी, सब मेजर टीम्स से हम लोग अनफाइट लेते थे, तो वहाँ से हम लोग नोटिस होना शुरू हुआ बिकॉज हम लोग अच्छा खेल रहे थे। तो ऐसी एंट्री होती है और मतलब ऐसे ही मेरा एंट्रेंस हुआ, फिर तो बाकी तो बताइए कि अच्छा खेला तो फिर स्कॉट भाई ने पिक किया, फिर TX वही था। सो यू नो आज जैसे आपने बोला कि कुछ नोटिसेबल करना होता है, व्हाट डू यू थिंक आज के अंडरडॉग्स को या फिर आज के जो यंग गेमर्स हैं जिनको यहाँ पे पहुँचने जा पे आपको, व्हाट इज दैट वन थिंग जो उनको करनी पड़ेगी टू गेट नोटिस्ड? देखो जब मैं एंट्री कर रहा था तब इंस्टाग्राम के मोंटाजेस वर्क करती थी बिकॉज तब इतने लोग नहीं डालते थे, और डालते थे तो इतना वो नहीं होता था कि फर्क दिखता था। अभी क्या है कि सबकी स्किल्स बहुत अच्छी हो चुकी हैं, तो कोई कितना भी वीडियो डाले यूट्यूब कर ले उससे आप मतलब ऐसा डिफरेंस ऐसा फिर अटेंशन नहीं ले पाओगे, क्योंकि आजकल हर कोई अच्छा खेल रहा है। अगर आपको सच्चे में नोटिस होना है तो आपको अपनी टीम के साथ ऑफिशियल में ऐसा धुआंधार परफॉर्मेंस दे के क्वालिफाई होके फाइनल्स में कुछ अच्छा करना पड़ेगा, तब जाके तभी आपको क्या मुश्किल हो चुका है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में जब ज़्यादा लोग नहीं होते तब ईजी होता है, अब जब लाखों लोग ही उस चीज़ को करने के लिए मेहनत कर रहे हैं तो लाखों लोगों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अगर नहीं करोगे तो आप उन लाखों लोगों में कहीं ना कहीं खो जाओगे, कर गए तो उनसे ऊपर चले जाओगे, तो
अभी बहुत मुश्किल हो चुका है, तो एक ही तरीका, अभी और कोई तरीका है ही नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि YouTube भी जैसा अगर आप YouTube चालू कर लो, YouTube में भले आप कितनी अच्छी वीडियो बना लो और मतलब आपको कितने भी व्यूअर्स लोग दिखने गए, बट कॉम्पी खेलोगे ना, कॉम्पी बहुत ही डिफरेंट पड़ जाता है आप लोग को, तो कॉम्पी में तो सिर्फ आपका ऑफिशियल परफॉर्मेंस ही बचा मेरे हिसाब से, तो और कुछ नहीं है, मुश्किल हो चुका है बहुत। सो एज यू आर टॉकिंग अबाउट हार्ड वर्क है ना, तो व्हाट इज योर रूटीन, व्हाट इज द हार्ड वर्क यू आर पुटिंग इन? जब मैं स्टार्टिंग में, जब इनिशिएटिव में था, तो मेरा पूरा दिन गेम था, तो लिमिट भी नहीं थी गेम पे, तो पबजी मोबाइल हुआ करता था, तो सुबह 12 बजे से स्क्रीम्स होते थे हमारे और रात के 1 बजे खत्म होते थे, बीच बीच में छोटे मोटे ब्रेक मिलते थे, नहाने वाने का 15 मिनट का मिल गया हो, खाने का मिल गया हो, बस उसके अलावा रात के 12 बजे तक खेलते थे। और ये चीज बैन होने, फर्स्ट जो बैन हुआ था तब तक चली है, बैन हुआ था तो कोई गेम खेलता ही नहीं था, फिर जब वापस आया गेम तो ऐसे ही रूटीन था। अब भी ऐसा है कि अभी थोड़ा सा बैलेंस रूटीन है, अभी सुबह उठता हूँ, थोड़ा सा अपना कॉफ़ी वॉफी पिया, थोड़ा सा फ़ोन वोन चलाया नॉर्मल, फिर ग्राइंड किया, 1 घंटा ग्राइंड करने के बाद आपके स्क्रीम्स का टाइम हो जाता है, स्क्रीम्स खेलो और रात के 8-9 बजे तक फ्री हो जाओ, ऐसे यही रहता रूटीन अभी हर प्लेयर का। और उसके बाद आपको अगर अपना ग्राइंड करना है क्लासिक्स के लिए तो वो खेल सकते हो, तो वो कभी कभी खेलता हूँ, कभी मेरे को अगर थोड़ा सा ड्राई आईज हो रही होती है तो मैं नहीं खेलता तो वो डिपेंड करता है वो क्या हो रहा है। तो अभी यू नो दिस टूर्नामेंट BGMS, इट हैज यू नो अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स लाइक द इंपैक्ट प्लेयर, बाउंटी टीम्स एंड फैन फेवरेट टीम्स, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? मेरे हिसाब से नॉर्डविन का बहुत अच्छा इनिशिएटिव था ऐसा टूर्नामेंट इंट्रोड्यूस करने का, क्योंकि एक चलो ऑडियंस को तो एक नया फ्रेश टूर्नामेंट देखने को, कॉन्सेप्ट देखने को मिला ही मिला, साथ ही में हम लोगों को खेलने में बहुत मजा आया, टूर्नामेंट तो बहुत ही अच्छा रहा, बस थोड़ा सा शॉर्ट होता तो और बढ़िया रहता, बिकॉज एक क्या होता है कि हम लोग प्लेयर्स को हर रोज ग्राइंड करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि हम लोग का ब्रेक्स व्रिक्स होते हैं, तो प्लेयर्स बर्नआउट भी होते हैं फिर और बीच में परफॉर्मेंस डिप्स भी आते हैं, तो बस एक ही उस चीज़ का ड्रॉबैक है इस टूर्नामेंट का, बाकी कुछ और नहीं है, बाकी हम लोग के लिए मेंटली बहुत फ्रेश होने वाला ये था पूरा टूर्नामेंट, बिकॉज हम लोग एक ही चीज़ खेल खेल के थोड़ा सा बोर पक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, तो अभी थोड़ा सा ये यूनिक था कि फर्स्ट पावर प्ले है, फिर आपका इम्पैक्ट प्लेयर भी है, तो उसमें आप, उसमें आपका लिमिट नहीं लगता, आप कितने बाउंटी हो गया, लिमिट नहीं आपके पॉइंट्स निकालने में, कितनी कितनी टीम्स ने तो 49 पॉइंट निकाले एक मैच, तो वो एक वो नहीं रहता कि हाँ इतने ही मैक्स पॉइंट निकाल सकते हो, उसका कुछ लिमिट नहीं है अभी, तो बहुत अच्छा टूर्नामेंट है एज अ ऑडियंस पर्सपेक्टिव से भी और प्लेयर्स वाले पर्सपेक्टिव से भी। एंड टॉकिंग अबाउट टूर्नामेंट्स, अ वेरी बिग टूर्नामेंट इज कमिंग अप, BMPS, उसके लिए क्या प्लान्स है, उसके लिए यू नो व्हाट विल बी योर स्ट्रेटजी? कुछ नहीं, बस अपने टीममेट पे भरोसा और खुद पे भरोसा करेंगे और जैसे अभी तक क्वालिफाई करते आए हैं वैसी होपफुली हम लोग वैसी मेहनत करेंगे। कुछ डिफरेंट होता है जो यू नो इज देयर सम डिफरेंस इन द अप्रोच बिटवीन अ ऑफिशियल इवेंट एंड अ थर्ड पार्टी इवेंट? हाँ, वो अप्रोच तो बहुत डिफर करती है, क्योंकि ऑफिशियल में ऐसा होता है कि ऑफिशियल तो आपको मस्ट खेलना ही है, क्योंकि एज अ ई स्पोर्ट्स प्लेयर मेरे हिसाब से थर्ड पार्टी इतने ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं, मतलब 5% करेंगे मुश्किल उसके, बट 95 ऑफिशियली है, बिकॉज मतलब मेन टूर्नामेंट वही हुआ ना आपका, जैसे अपने क्रिकेट में होता है वर्ल्ड कप हो गया वैसा कुछ, तो मेन लोग कहाँ पे आपको नोटिस करेंगे या फिर मेन आपकी प्लेयर वैल्यू कहाँ पे बढ़ेगी, वो ऑफिशियल हुआ तो अप्रोच तो बहुत डिफरेंट होती है, ऑफिशियल एकदम लोग मतलब कैसे बोलते हैं अप्रोच भी थोड़ी सी पैसिव रखते हैं, पहले देखते हैं क्योंकि नई नई टीम्स होती हैं कैसा खेल रहे हैं वो लोग और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो अप्रोच में बहुत डिफरेंस होता है, थर्ड पार्टी में ऐसा सीरियस ज़्यादा लोग लेते नहीं है अब, क्योंकि अभी ऐसा होता है कि एक ऑफिशियल ख़त्म हुआ अगले दिन से ही 2-3 टूर्नामेंट ला देते हैं तो इतना सीरियस सब कोई लेता नहीं है मेरे हिसाब से। सो अब एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड करते हैं, ठीक है, आर यू रेडी? यस आई एम रेडी। पबजी या BGMI? पबजी। Godlike या 8-bit? 8-bit। 8-bit या TX? TX। Scout या Mercy? Scout भाई। घर का खाना बाहर का खाना? घर का खाना। रंगल या सानोक? रंगल। रंगल या मीनाबाद? रंगल। सानोक या मीरामार? मीरामार। ऑफिशियल या थर्ड पार्टी? ऑफिशियल। गोल्डी भाई या थर्ड भाई? दोनों ही। हील बैटल या अग्रेसिव गेम? अग्रेसिव। मोस्ट स्किल्स यू हैव इन अ मैच? 12। एंड इन जनरल क्लासिक मैचेस में? होंगे 35-40। 35। अब तो नॉर्मल है, ऐसे मोड्स होते हैं। ओके, हम जैसे के लिए नहीं। नहीं नहीं, वो तो आप सिखा देंगे। फेवरेट थिंग अबाउट गेमिंग? गेमिंग एस्केप। फेवरेट प्लेयर मतलब BGMI में? यस।
सारंग नाइकी और एडिडास नाइकी छोले भटूरे या बटर चिकन छोले भटूरे मतलब मूड पे डिपेंड करता है अभी छोले भटूरे दिमाग में आ रहा है तो छोले भटूरे ओके दैट्स इट सो अभी आप कह रहे थे हाँ कि सिखा दोगे ठीक है सो लेट्स सी कि मुझे कितना सीखने की जरूरत है ठीक है तो एक टीडीएम बैटल करते हैं एंड सिंस वी हैव अ ड्यूअल एक्शन फेस वॉश ठीक है हम एक सरप्राइज गेस्ट को बुलाएंगे एंड देन वी विल प्ले भाई ये यो ओह माय गॉड कांग्रेट्स यू हैव वन द ड्यूअल एक्शन चैलेंज अच्छा खेला विराट भाई ट्राइड एंड दिस कोहली आल्सो ट्राइड पर हो नहीं पाया कोई नहीं वेरी वेल प्ले कई बार होता है हार से सीखते हैं आई होप आप भी कुछ सीखे होंगे आपको ही सिखाना पड़ेगा Well, that was very fun. Thank you मुझे हराने के लिए बाद में बात करूँगा आपसे 200 रुपये ऑफर भी करे थे ये बात नहीं थी But moving on. So you know when it comes to you know gaming and BGMI, you are very competitive. So who is your favorite rival? मैं इसमें भी सरांग का ही नाम लूँगा Okay. क्योंकि मतलब बोलते ना अब जिनके साथ आपका अच्छी दोस्ती होती है चलो ये भी बात छोड़ो आपका ग्रुप होता है बोलते ना अपने फ्रेंड ग्रुप ऐसा होना चाहिए कि आप उनसे ही कम्पीट करके खुद को ग्रो कर पाओ तो सेम एग्जाम्पल सब मतलब सेम चीज यही है कि सरांग का नाम इसलिए लिया मैंने बिकॉज वो भी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ही है अभी भी चैंपियंस मैंने तो उनको देख के मेरा भी और मन करता है कि मैं खुद को इम्प्रूव करूँ और बाकी जितने भी मेरे पूरी कम्युनिटी में बहुत सारे दोस्त हैं तो उनको भी जैसे जो बहुत से प्लेयर होते हैं उनको देख के लगता है कि नहीं भाई मुझे भी स्टेप अप करना ही पड़ेगा या फिर मेरे को भी इम्प्रूव करना ही पड़ेगा तो राइवल्स भी सभी हैं भले गेम के बारे में फ्रेंड्स हो बट इन गेम तो राइवल्स ही हैं सो यू नो व्हाट वाज द दैट वन मैच जो आपको कभी भूलेगा नहीं वो वन मोमेंट इन योर करियर जो हमेशा याद रहता है क्या वो तो था वही जो सबको याद रहता है साइनॉक वाला मैच 12 किल वाला तो वो मतलब वो मैच की नहीं वो तो पूरा उस टाइम वो टाइम ही PMCU का मैं कभी भूल नहीं सकता बिकॉज मतलब ऑफ कोर्स एक अंडरडॉग से थोड़ा सा T1 में प्रॉपर एंट्री और रिकॉग्निशन और जो लव और सपोर्ट मिला वो तो चाहिए था स्टार्टिंग से तो वो टाइम तो नहीं भूल पाऊंगा मैं कभी क्योंकि उसी टाइम ने मेरे को अभी जो बनाया है बोल सकते हो सो अब यू हैव बीन इन द सीन फॉर क्वाइट सम टाइम अब आगे क्या एस्पिरेशंस हैं क्या गोल्स हैं क्या अचीव करना है गोल्स अभी तो यही है कि जो चीज़ के लिए लोग मेरे को जानते हैं तो मेरे को वापस लोगों को वो क्या बोलते हैं उनको जो भी डाउटर्स हैं उनको रॉन्ग प्रूफ करना है और जो सपोर्ट करते हैं उनको सही प्रूफ करना है और ऐसे खुद को इम्प्रूव करते हैं ना और ट्रॉफीज जीतनी थोड़ी सी क्योंकि मेन गोल एट दी एंड ट्रॉफीज ही रहती है सब प्लेयर्स का तो अभी तो आगे का यही प्लान है अभी ऐसा कुछ और प्लान है नहीं मैंने पढ़ाई नहीं करी गई मेरा कुछ प्लान नहीं है And चलो gaming aside, तो what do you do? How do you spend your time? I think bike is a very good escape for me. मतलब सबका अलग escape होता है तो जब gaming बहुत जैसे continuous चल रही थी सभी LANs हैं तो game मेरे लिए एक escape नहीं रह जाता ऐसा होता है ना जैसे professional life और normally casual gaming में फ़र्क होता है
तो एक बार के लिए आप थोड़ा सा गेम से दूर भी जाना चाहते हो, थोड़ा सा माइंड को फ्रेश करने के लिए. तो मेरे लिए एक टाइप से एस्केप और हॉबीज बोल लो बाइक्स है, और बाकी दोस्तों के साथ घूमना, बिकॉज दोस्तों के साथ बहुत इजीली माइंड फ्रेश होता है हम लड़कों का. तो एंड यू नो व्हाट इज दैट वन मोमेंट इन योर करियर, गोइंग बैक टू योर करियर, जो आपको लगता है यू नो गलती हो गई या यू रिग्रेट दैट डिसीजन? मैंने जैसे पहले आंसर दिया था कि अगर जो गलतियां मैंने करी नहीं होती तो मैं आज जो हूँ वो होता ही नहीं. मतलब जैसा मेरा मेंटेलिटी अब हो चुका है, या फिर प्रेशर हैंडलिंग हो गया, फिर जो भी कुछ भी खराब हो रहा हूँ मैं उस चीज़ को कैसे हैंडल करता हूँ, तो अगर मैंने वो गलतियाँ करी नहीं होती तो मैं आज इम्प्रूव ही नहीं हुआ होता बिल्कुल भी, मैं वैसे ही एक बच्चे ऐसा रह जाता. तो आई गेस गलतियाँ करना ज़रूरी है, और जो मैंने गलतियाँ करी उसने मेरे को बहुत सारी चीज़ ऐसी सिखाई जो मेरे को हेल्प कर रही है. तो कोई रिग्रेट्स नहीं है मेरे, सच्ची बताऊँ तो कुछ भी रिग्रेट नहीं है. एंड यू नो दोज आर वेरी वाइज वर्ड्स. इफ आई हैड टू जस्ट आस्क यू वन लास्ट क्वेश्चन एंड यू नो दैट वुड बी what advice you would give to you know the upcoming stars, the upcoming players or the underdogs, what would that be? सिर्फ एक ही एडवाइस है कि मेरी तरफ से कि खुद पे ही भरोसा करो सबसे ज़्यादा. दूसरों पे अपना ट्रस्ट इन्वेस्ट करना आपको हमेशा अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा, कभी ना कभी तो आप डिसअपॉइंट हो गई. इससे अच्छा आपके पास आप खुद हो जिस पे आप हमेशा मतलब रिलाई कर सकते हो, तो why not खुद पे इतना भरोसा रखो कि आप यू नो खुद को और पुश कर पाओ. तो यही रहेगा, बिलीव इन गॉड और खुद पे भरोसा करो, यही एक मेरे पास वो रहेगी. मेहनत तो वापस जैसे आप लोगों को कुछ अचीव करना तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, वो तो बहुत नॉर्मल सी बात हो गई, तो वो मेंशन करके मतलब ही नहीं है. भरोसा करो बस. कभी आपका किसी ऐसे ट्रस्ट तोड़ा है इस इंडस्ट्री में? मतलब अब देखो ट्रस्ट टूटा या जो भी हुआ, अब मेरे को मेरा पर्सपेक्टिव पता है, उसका पर्सपेक्टिव नहीं पता ना. तो ऐसे डिसअपॉइंटमेंट्स बहुत हुए हैं, ऐसा ट्रस्ट तोड़ा नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे नहीं पता उनका क्या सिचुएशन रहा होगा. डिसअपॉइंटमेंट्स हुए हैं और कैसे मैं सीखा हूँ और यही चीज़ समझाऊँ कि खुद पे भरोसा करना बेस्ट ऑप्शन है मेरा. चलिए थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू. वी हैव अ स्पेशल गिफ्ट फॉर यू. दिस इज फॉर यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड हैविंग अ चैट विद अस. मिलते हैं बहुत ही जल्दी आप सबसे नेक्स्ट एपिसोड में. अंटिल देन टेक केयर. बाय गाइस.